एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जाम्पल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो, लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी, अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है? नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, बॉल मिस हो गई कोई बात नहीं, तैयार रहो, बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जा करके बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस, दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो, आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई, लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का, एक ही बॉल में उन पांच बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, वो एक दिन, समझ गए? जिंदगी खेल है, ज्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, अब उसके बाद भी बैठना नहीं है, या मैंने छक्का मार दिया, छक्का मार दिया।
वो 10 साल पहले मैंने छक्का मारा था। अरे क्या हो गया, 10 साल बहुत पीछे है, आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है। तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे या छक्का पड़े भाई, खेलते रहो मरते दम तक। जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो, ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है। ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नजरें गड़ाए रखनी है, एक के बाद एक बॉल आएगी और कोशिश करते रहना है। जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, जो थक करके बैठ गया है वो फेलियर है, जो खुश होकर के साइड में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मार था 4 साल पहले वो भी फेलियर है। फेलियर है भाई, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, धरती के ऊपर बोझ है। क्या कर रहा है कि बस एक छक्का लग गया, बैठ गया जा करके, बस हो गया खेल खत्म। जिंदगी का बस एक छक्का मारने के लिए आए थे जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं, हाँ प्रॉब्लम क्या है। ये है जिंदगी का खेल जिसको हमको समझना है, जिसके अंदर हमको पक्के होना है, और ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब, मतलब के रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड अपॉन फियरलेस एक्शन, बिना किसी डर के एक्ट करना है। अब देखो ना, आपका डर गायब, स्ट्रेस गायब, डिप्रेशन गायब, प्रेशर गायब, कि जब आप अपने दिमाग में आपने बिठा ली मेरी बातें, अगर जो मैं बोल रहा हूं कि भाई नंबर आ गए, मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी पढ़ाई में, जान लगा दूंगा पढ़ने के अंदर। अब पढ़ाई क्या चीज है, जिंदगी में जो भी काम करूंगा उसमें जान लगा दूंगा, और जो मैं चाह रहा हूं वो हुआ तो अच्छा है, और जो मैं चाह रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा, और अच्छा। आज समझ नहीं आ रहा, आगे जाकर के समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। आप बोलिए। सर एक्चुअली मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करूं, बट मेरे पास कैपिटल नहीं था मेरा बिजनेस करने के लिए। देन मैं दुबई गया अपना बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करने। मैं वहाँ पे गया था, सिर्फ मेरा माइंड सेट ये था कि मैं कुछ अर्निंग करूं, देन इंडिया आके अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छी प्रोग्रेस मिली, मैं 4 साल रहा, एक ट्रिप की, देन अगेन मैं गया वहाँ पे, इतना अच्छा सब कुछ मुझे मिला, अच्छी सैलरी, सब चीज़ अच्छा था, बट फिर भी माइंड में वही था कि इंडिया आके बिजनेस करना है। लाइक अंबानी, अभी मैं 5 महीने पहले इंडिया आया दुबई से, तो मेरी और इंक्रीमेंट कर रहे थे जो मेरे बॉस थे, बट अभी मैंने स्टेप लिया, नहीं अगर अभी नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। बट अभी यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट किया है, इसमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर था। इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि इन्होंने जॉब को छोड़ा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इनको ये लग रहा है कि यार वो जॉब ही अच्छी थी मान लो, या उस जॉब में भी प्रोग्रेस की कोई कमी नहीं है, वहां पर भी हम आगे बढ़ सकते थे। तो अब ध्यान से समझना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मेन पर्पस क्या है? क्या ये है कि हम ये छोड़ करके वो करें? क्योंकि जो भी करोगे उसके भी अपने प्लस माइनस होंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज, जैसे बोलते नहीं कहावत नहीं, दूर के ढोर, तो दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था बिजनेस बिजनेस, कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये मैं वो, जब जाते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, तब हमें समझ आता है कि वो मेरे लिए है या नहीं है। तब ये भी समझ आता है कि जो हम पहले कर रहे थे वो मेरे लिए है या नहीं है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, लो तो सही। अब इन्होंने रिस्क लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलोगे तो बिजनेस आप करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होना है, नहीं। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब यह है कि एटलीस्ट अब आप वहां से बाहर निकले, आपने बिजनेस ट्राई किया, हो सकता है वो बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। नहीं भी चले, अगर आप वापस से वहां भी गए जहां पर आप पहले थे, तो एटलीस्ट आपके अंदर से जिंदगी भर के लिए रिग्रेट निकल गई। ये रिग्रेट तो गया ना हमारे अंदर से हमेशा के लिए कि मैंने ट्राई नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद अगर आप वहां वापस भी जाओगे तो आप नोट करोगे, आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से काम को करोगे, और माइंड में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि ये करूं या ये करूं, वो हमेशा के लिए निकल गया, खत्म। क्योंकि कोई भी चीज करके ही समझ आती है,
बिना करे नहीं समझ आती। अब मैं आपको, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है, आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, 0.1% ना भी मिले बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, और आप वापस भी जाओ तो अब एटलीस्ट वहां पर, जहां भी आप जाओ वहां पर खुश रहो। लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कंटिन्यू उधर की जो कंपनीज थी वहाँ पे, जो मेरा लिंक था आई वॉज इन सेल्स, तो अभी भी ऑफर्स आते हैं तब माइंड बहुत डगमगा जाता है कि क्या करना चाहिए। और वो इसीलिए ऑफर्स आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से काम किया। बिकॉज आई नो द टू लैंग्वेजेस, ईरानियन एंड अरेबिक, दैट्स व्हाई। मतलब अगर इसको सिंपल वे में देखा जाए तो यू वर एन एसेट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर आप काम कर रहे थे, है ना? Yes. उनके लिए आपकी वैल्यू है। अगर नहीं होती तो ऑफर्स भी नहीं देते, तो इसका मतलब वो तो दरवाजा आपके लिए खुला ही है। तो अब आप अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरे को अगले एक साल तक लग करके उसके ऊपर एक्ट करना है, और फिर एक साल बाद देखना है कि इसमें से क्या निकल करके आ रहा है। अगर तो कुछ निकल के आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आई विल गो बैक देयर, बट यू मस्ट गिव इट अ शॉट, क्योंकि बिना दिए वो समझ नहीं आता। इससे आपको भी आंसर मिला अभी कि अभी आप कह रहे हो कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे पैकेज भी इतना तगड़ा नहीं है और फ्यूचर भी इतना स्कोप नजर नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आपने अपने एंड पे कुछ करने की कोशिश करी। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पेरेंट्स ने कुछ टाइम तक बोला, वो तो अभी भी बोल ही रहे होंगे किसी ना किसी बात पे, बाद में भी क्या बोलेंगे ही, क्या बोल रहे होंगे, अभी ये बोल रहे होंगे कि तेरा भाई देख, तू खुद को देख, ये वो, तब भी तो यही बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। सोचने वाली बात है। हम बस कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने माइंड में। इंडिया में किसी के माँ बाप में इतना दम नहीं है कि अपने बच्चों को डिसओन करते, नहीं है दम। अब भैया वो टाइम गया कि 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, कि नाम ही नहीं पता माँ बाप, 2 बच्चे टोटल हैं। बच्चों में जान अटकी पड़ी है माँ बाप की। कभी आपने थोड़ा सा नौटंकी के लिए भी बोला ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, नींद उड़ जाएगी आपके घर वालों की। कभी करके देख लेना ये नौटंकियाँ, करीबी होंगी, मैं करके क्या देख लेना। मैं बड़ी करता था बचपन में, मतलब जरा सा कुछ हुआ पापा मेरी बड़ी पिटाई करते थे, मतलब बचपन में खूब मार खाई है। जब भी पिटाई होती थी मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, छोटा सा होता था, घर छोड़ के चला गया, पीछे पार्क में बैठा हुआ हूँ, फिर मम्मी आती थी मनाने के लिए, नहीं नहीं बेटा आ जा, मैं नहीं आ रहा, मैं यही सोऊंगा आज रात को, मतलब नौटंकियाँ। कहने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्यों क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, मार देंगे, समझ लो क्या बोलेंगे, तो बोल तो अभी भी रहे हैं। एटलीस्ट क्या हुआ कि आपने अपना जो भी ड्रीम है, अब उस ड्रीम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नोबडी नोस। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई आकर के ना हमको श्योरिटी दे दे कि मैं ये छोड़ूंगा, ये करूंगा, यहां पे मुझे सक्सेस मिल जाएगी। याद रखना मेरी इस बात को अच्छे तरीके से, गांठ बांध लेना, कोई भी बंदा आकर के अगर आपको इस तरह की श्योरिटी दे रहा है ना, चोर है एक नंबर का वो बंदा। वो अपना काम निकालेगा और आपको साइड में करेगा। जो भी बंदा जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए वो कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, आपको सही सलाह देगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक अनबायस्ड एक सही सलाह दे रहा हूं। वो सही सलाह क्या है, अगर एक्चुअल में आपके अंदर से आ रहा है कि यार ये तो करना ही है लाइफ में, एक बार तो ट्राई करना है, तो करो ना। फेल हो गए तो जो कर रहे थे वही करते रहना बाकी पूरी लाइफ, एटलीस्ट ट्राई तो करो, और क्या पता सक्सेसफुल ही हो जाओ वहां पर, क्या पता सक्सेसफुल हो ही जाओ। अभी आपने अंबानी का नाम लिया, क्या पता द नेक्स्ट, क्या सर नेम है आपका, कमानी, तो उनका है अंबानी, आपका है कमानी, तो हो सकता है नेक्स्ट कमानी